हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेशल स्टेनिंग में कैप्सूल स्टेनिंग को कवर किया था कि किस तरीके से हम इंडिया इंक मेथड का यूज़ करके कैप्सूल को स्टेन करते हैं। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम एंथनीज स्टेन मेथड का यूज़ करके कैप्सूल को स्टेन करते हैं। तो स्टेनिंग के इस मेथड में हम दो स्टेन का यूज़ करते हैं, जिसमें प्राइमरी स्टेन जो होता है वो 1% क्रिस्टल वॉलेट होता है और सेकेंड स्टेप में हम 20% कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम एंथनीज स्टेन मेथड के प्रोसीजर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेनी है और फिर किसी भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का जो कल्चर है वो हमें वायर लूप की हेल्प से उस कल्चर का स्मॉल पोर्शन लेके स्लाइड पे स्मेयर बनानी है। और स्मेयर बनाने के बाद वो स्मेयर हमें एयर ड्राई करनी है। याद रहे, स्मेयर को हमें हीट फिक्स नहीं करना है, क्योंकि हीट फिक्स करने से जो कैप्सूल है वो मेल्ट हो जाएगी। एयर ड्राई होने के बाद हमें स्लाइड पर 1% क्रिस्टल वॉलेट को फ्लड करना है फॉर 1 मिनट। ठीक है, आफ्टर 1 मिनट हमें 20% कॉपर सल्फेट से उस स्लाइड को जेंटली वॉश करना है। ठीक है, याद रहे वाटर के साथ हमें स्लाइड वॉश नहीं करनी, क्योंकि वाटर के साथ वॉश करने से जो कैप्सूल है वो रिमूव हो जाएगा, वो बह जाएगा। इसलिए हमें जेंटली जो है 20% कॉपर सल्फेट से स्लाइड को वॉश करना है। उसके बाद हमें स्लाइड को एयर ड्राई करना है और फिर ऑयल इमर्जन में हमें स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखने पे हम क्या देखेंगे कि जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो बैक्टीरियल सेल है वो पर्पल कलर का दिखाई देगा और जो बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है वो फेंट ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो एंथनीज स्टेन मैथड में सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेन में 1% क्रिस्टल वॉलेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो क्रिस्टल वॉलेट है वो पूरे बैक्टीरियल सेल को कलर दे देगा, बैक्टीरियल सेल को भी और कैप्सूल को भी कलर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे फिर जब हम सेकेंड स्टेप में 20% कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं तो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे दो रोल है। एक तो कॉपर सल्फेट डीकलराइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और दूसरा काउंटर स्टेन की तरह एक्ट करेगा। कैसे? जब हम सेकेंड स्टेप में कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं तो कॉपर सल्फेट बैक्टीरियल सेल को छोड़कर बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है उस पर जो क्रिस्टल वॉलेट स्टेन है उसको वो डीकलराइज कर देगा, और डीकलराइज करने की वजह से जो कैप्सूल है वो फेंट ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसलिए कॉपर सल्फेट यहाँ पे जो है वो डीकलराइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर रहा है और काउंटर स्टेन की तरह भी। तो आज के लेक्चर में हमने एंथनीज स्टेन मेथड को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।